गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु, आप लोगों को एस्ट्रो तक पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे अनुपम चीज, आपकी कुंडली की जो अनुपम घटनाएं हैं जन्म के काल में, वो जो अनुपम घटनाएं घटी हैं और जिसके कारण आपके जीवन में वह अनुपम घड़ी का आगमन होता है और उस अनुपम घड़ी से आप अनुपम आनंद की प्राप्ति करते हैं, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। हाँ, वह अनुपम आनंद प्रेम है। प्रेम एक ऐसा आनंद है जिसके आनंद में व्यक्ति परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। और जब आपकी कुंडली में प्रेम योग बनता है और वह योग घटित ना हो तो भी व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है और मानो की जिंदगी में सब कुछ पाकर सब कुछ खोसा देता है। परंतु आज मैं उसका उपाय भी बताऊंगा और सटीक एवं सरल, जिसके करने से आपको अपने प्रेम की प्राप्ति होगी तथा आपकी कुंडली में बनने वाले प्रेम विवाह योग या प्रेम योग विवाह योग में परिवर्तित हो जाएगा। जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी कुंडली में प्रेम योग। देखिए, आपके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में आपका सप्तमेश और पंचमेश, सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी आपस में संबंध करता है तो व्यक्ति की कुंडली में प्रेम योग बनता है। यह व्यक्ति बड़ा प्रेमी दिल इंसान होता है और इस साथ साथ इसे प्रेम होता है। देखिए, प्रेम होना तो बड़ी सहजता है, सरलता है, परंतु प्रेम की सफलता भी आवश्यक है। मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा कि प्रेम किस प्रकार के योग होने से प्रेम सफल हो जाता है। जी, देखिए, आपकी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश, इनका संबंध यदि आपकी कुंडली में बन रहा हो, किसी प्रकार का दृष्टि संबंध बन रहा हो या आपस में बैठे हो, ऐसी स्थिति हो, बन रहे हो, तो आपका जो प्रेम है वह प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाएगा और माता पिता का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवम भाव का संबंध, व्यक्ति की कुंडली में यदि सप्तमेश और पंचमेश के साथ नवम भाव संबंध करता है तो व्यक्ति की कुंडली में प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है, वो भी सामाजिक दृष्टिकोण से, माता पिता की सहमति से प्रेम विवाह हो जाता है। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में यदि बने तो आपका प्रेम सफल होता है। परंतु कभी कभी व्यक्ति की कुंडली में प्रेम होता है और प्रेम विवाह भी परिवर्तित होता है, परंतु माता पिता तथा समाज की स्वीकृति में बड़ी समस्या होती है, काफी उतार चढ़ाव आता है, काफी संघर्ष होता है। यह परिस्थिति तब बनती है जब आपके पंचमेश और सप्तमेश संबंध कर रहे हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो और नवमेश कमजोर होकर कहीं अकेले बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति
प्रेम विवाह तो करते हैं, परंतु उन्हें समाज की स्वीकृति लेने में, माता पिता की स्वीकृति लेने में कुछ समय लग जाता है। साथ ही साथ प्रेम विवाह, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का जो मूल कारक ग्रह है वह है शुक्र। जी हां, शुक्र आपकी कुंडली में यदि अच्छी अवस्था में है तो आप प्रेमी दिल इंसान हैं, आपको सहज और बड़ी सरलतम से ही प्रेम हो जाएगा। परंतु यदि आपकी कुंडली में सूर्य की उसके साथ साथ स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो व्यक्ति अपने प्रेम का बोध भी कराता है सामने वाले को, अन्यथा बस एक तरफ से ही प्रेम बना रहता है, वह बोध नहीं करा पाता। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में कुछ अलग अलग भी योग बनते हैं प्रेम के। जैसे कि मैं बात करता हूं आपके चंद्र कुंडली की, यदि आपके लग्न कुंडली में प्रेम विवाह का योग ना बने तो घबराने की बात नहीं है। शुक्र की स्थिति अच्छी हो और शुक्र जो है वह लग्नस्थ बैठकर सप्तम भाव को देखे, शुक्र लग्नस्थ बैठकर सप्तम भाव को देखे और चंद्र कुंडली में सप्तमेश और पंचमेश आपस में संबंध करें तो व्यक्ति के कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में नवांश जो कुंडली बनता है, नवांश कुंडली में भी प्रेम विवाह का योग हो और लग्न कुंडली में यदि प्रेम विवाह का योग कमजोर दिखे या सिर्फ प्रेम का योग दिखे तो नवांश कुंडली के कारण व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है। परंतु इनमें बड़ी आवश्यक है, चाहे वह चंद्र कुंडली हो या नवांश कुंडली, उन कुंडलियों में नवम भाव का संबंध निश्चित तौर पर होना चाहिए। नवम भाव का संबंध होगा तो आपके माता पिता से आपको स्वीकृति मिलेगी और उन स्वीकृतियों के साथ आपका प्रेम विवाह सफल हो जाएगा। परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जातक का प्रेम विवाह होता है परंतु वह सफल नहीं हो पाता, ऐसी समस्या होती है, रहती। इसका कारण होता है कि आपका जो पंचमेश और सप्तमेश है, जो प्रेम विवाह का योग कारक ग्रह है शुक्र, उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो। ऐसी दृष्टि में व्यक्ति का प्रेम तो होता है परंतु प्रेम विवाह सफल नहीं हो पाता। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में आपका द्वितीयेश और सप्तमेश 6, 8 और 12 इन भावों में जाकर स्थित हो जाए तो क्या कहना, प्रेम विवाह तो बड़ी हर्षित उल्लास के साथ होता है परंतु प्रेम विवाह के कुछ काल के बाद ही संबंध विच्छेद हो जाता है। यह स्थिति बड़ी कष्टप्रद होती है। मैं इस स्थिति का उपाय बताऊंगा आपको, परंतु अभी आपके कुंडली के योग के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, इन योग के कारण कभी कभी व्यक्ति के सप्तमेश का पंचमेश के साथ संबंध होने से तो प्रेम होता है, नवमेश संबंध कर लें उनके साथ, लग्नेश की दृष्टि हो, लग्नेश का भी संबंध हो तो व्यक्ति की कुंडली में प्रेम विवाह बन जाता है। परंतु देखा जाता है कि कभी कभी कि व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का जितने ग्रहों के साथ संबंध होता है, व्यक्ति की कुंडली में अक्सर
उतने प्रेम हो जाते हैं, और पापक ग्रह की यदि उस पर दृष्टि हो तो प्रेम कुछ समय रहते हैं और टूट जाते हैं, फिर प्रेम कुछ समय चलते हैं और टूट जाते हैं। वो बार बार समुद्र के किनारे के समान समुद्र के लहरों से थपेड़ा खाता रहता है, और वो अपनी जिंदगी में प्रेम के लिए अंततो गत्वा प्रेम की चाह प्रेम की प्राप्ति में लगा रहता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे अपने प्रेम को अपने प्रेम विवाह को आप सफल करें। देखिए, सोमवार के दिन भगवान शंकर और पार्वती के बीच संबंध स्थापित करें। कैसे? एक धागे से, जो रक्षा सूत्र मौली धागा आता है उस धागे से शिवलिंग से संबंध लेकर उस धागे को माता पार्वती तक स्थापित कर बांध दे। यह संबंध स्थापित करना कहलाता है। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाएं तो माता पार्वती से भगवान शंकर के मंदिर का संबंध स्थापित कराएं। साथ ही साथ सोमवार को माता पार्वती और शिव के बीच संबंध स्थापित कर माता पार्वती को श्रृंगार इत्यादि अर्पित कर पूजन करें, और शिवलिंग पर बिल्व पत्र और दुर्बा, जी बिल्व पत्र और दुर्बा एक साथ मिलाकर 108 बार चढ़ाएं। बिल्व पत्र और दुर्बा दोनों को एक साथ मिलाकर शिवलिंग पर 108 बार चढ़ाएं, और यदि महिला हैं और वह अपने मनोनुकूल अपने पति की कामना करते हैं तो वह मंत्र का जाप करें, देही सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि। और पुरुष हो तो मंत्र का जाप करें, वो एक एक जो बेलपत्र है और दुर्बा उनको एक एक साथ करके चढ़ाना है और जाप करना है कि पत्निम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोत्तमाम। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, और वह एक बेलपत्र और एक दुर्बा एक बार ऐसे करते करते मंत्र का जाप भी करें और 108 बार भगवान शंकर पर वह अर्पित भी करें। साथ ही साथ भगवान शंकर को श्रीखंड चंदन से श्रृंगार करें, और श्रीखंड चंदन स्वयं भी लगाएं। जिस समय भगवान शंकर को आप श्रृंगार कर रहे हो उस समय आप अपने प्रेमी के छवि को और प्रेमिका के छवि को ध्यान करते हुए करें। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपको अपना प्रेमी और आपको अपनी प्रेमिका प्राप्त होगी, और आपकी कुंडली में बनने वाला यह प्रेम योग विवाह योग में परिवर्तित हो जाएगा, और विवाह योग आपकी जिंदगी में सुखमय और आनंदमय रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पुनः फिर मिलेंगे आपकी कुंडलियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सटीक उपचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।